राजधानी दिल्ली के मंडावली इलाके में सीसीटीवी फुटेज में चोरी की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक कपड़े के शोरूम में कुछ महिलाएं दूध मुहे बच्चे का इस्तेमाल कर बड़ी चालाकी से चोरी की वारदात को अंजाम दे रही हैं। दरअसल शोरूम के मालिक किसी काम से दिल्ली से बाहर गए हुए थे। इस दौरान उनका शोरूम स्टाफ संभाल रहा था। दिल्ली वापस लौटने के बाद जब उन्होंने स्टाफ से कपड़ों का हिसाब लिया तो उनमें कुछ कपड़े गायब थे। शॉप में कैमरे थे, बट कुछ लेडीज आई 4-5, वो जीन्स वगैरह टी शर्ट और शर्ट सब ले गई छुपा कर। जब मैं आज मैं आया हूँ शॉप पे तो मैंने रिकॉर्डिंग चेक की है तो उसमें दिखा मेरे को। तो आप कहीं बाहर गए हुए थे? हाँ, मैं बाहर गया हुआ था। लड़की थी शॉप पे सेल्स करने वाली, तो उसको भी कंफर्म नहीं था कि वो बताया कि आई थी, मतलब हमारे कस्टमर आए थे बट लेके कुछ नहीं गए। तो मुझे डाउट हुआ, मैंने कैमरे चेक किया आज, उसमें देखा तो क्या आपको अपना माल कुछ कम नहीं लगा? हाँ जी, वो जीन्स मैंने देखा ना, जीन्स और शर्ट पीछे देखा तो मेरे कम से उससे पूछा, उसने भैया कोई लेके नहीं गया। जब कैमरे चेक किए उसने, तब उसने बताया मेरे को कि लड़की आई थी 5 लेडीज और वो लेके गई हैं। जब शोरूम में लगा सीसीटीवी फुटेज देखा तो चोरी का पता चला। फिलहाल पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है। दिल्ली से सुरेंद्र सिंह के साथ हिमानी उप्रेती, नवोदय टाइम्स।